छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा अंतर्गत सेठिया ग्राम में आयोजित अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में स्थानीय पहलवानों सहित विभिन्न प्रदेशों से आए पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन करते हुए दाव पेच दिखाए। पुरुष पहलवानों के साथ महिला पहलवानों ने आयोजित दंगल का हिस्सा बनकर खूब तालियां बटोरी। दंगल के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह शामिल हुए। अखिल भारतीय कुश्ती में पंजाब के मूसा खान ने कई पहलवानों को पछाड़ते हुए फाइनल में कोलिया से आए श्रीराम पहलवान को पटकनी देते हुए कुश्ती का खिताब अपने नाम किया। मूसा खान है और पंजाब के पटियाला शहर से ताल्लुक रखता हूं। आज इस गांव में अगर मुझे बड़ी कुश्ती कराई, इससे मुझे बड़ी खुशी मिली और मैंने इसमें विजेता हासिल की। कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? बढ़िया जी, बड़ा बहुत सपोर्ट मिला जनता का, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं आप लोगों की तरफ से। बड़ा ये कोलांचल क्षेत्र में ये आपकी पहली कुश्ती है? मेरी नहीं जी, हाँ जी पहली बार आया हूँ। उधर में उधर पंजाब में हरियाणा पूरे इंडिया में लड़ता हूँ, इस तरफ पहली बार आया हूँ तो इस तरफ जनता ने काफी प्यार दिया, काफी अच्छी जगह है। 1986 से लेकर आज 2019 तक ये कार्यक्रम अपनी विख्यातता को लेकर के काफ़ी प्रसिद्ध है। इस बार मेहरबानी को ज्यादा से शिवाद भी हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए मैं पूरे दंगल कमेटी को हृदय से अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ और दंगल अस्पताल के कार्यक्रम में उनको प्रेरणा देने का प्रयास करते रहेंगे। प्रथम स्थान कहाँ से पहलवान? प्रथम स्थान पंजाब के मूसा पहलवान, द्वितीय स्थान गोरखपुर के पवन यादव और तीसरा पुरस्कार बुरहानपुर के पहलवान ने जीता, जिनको कमेटी के द्वारा जो पुरस्कार राशि से करके उसको फिर प्रदान किया गया। एक अच्छा कार्यक्रम रहा और आप सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद, आपने अपना समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ।